वैसे तो दुश्मन की आंख में धूल झोंककर हमला करने और अपने आप को शिकारी जीवों से बचाने वाले जीवों के बारे में आपने देखा या सुना ही होगा। मैं ऐसे जीवों पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जो आप लोगों को काफी पसंद भी आया। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो मिस किए हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिए। खैर, दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इस रेगिस्तान और बीहड़ों में अपने आप को इतना कुशल शिकारी बना चुके हैं कि यहाँ कब कौन सा जीव शिकार हो जाए उसकी भनक तक नहीं लगती। जैसे एंट लायंस डेथ ट्रैप, ये जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिससे निकलकर भागना शिकार के लिए बेहद मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती हैं चींटियां, इसलिए इसे एंट लायन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के भीतर घुसकर वहां 45 डिग्री के एंगल में एक कोन शेप में छेद बनाता है। कोन की गहराई और एंगल इतनी परफेक्ट होती है कि छोटे मोटे कीड़े और चींटियां इससे बाहर निकल नहीं पाते। एक बार डेथ ट्रैप बनने के बाद एंट लायन इस कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का वेट करता है कि कब कोई इंसेक्ट इस डेथ ट्रैप में गिरे। जैसे ही कोई इंसेक्ट या चींटी इस ट्रैप में गिरती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है तो रेत के छोटे छोटे कण ढहने लगते हैं, जिससे इंसेक्ट या चींटी बाहर की तरफ निकल नहीं पाते। इधर एंट लायन रेत के कणों को बाहर की तरफ फेंकने लगता है, जिससे ऊपर की रेत कोन के बेस में ही ढहने लगती है और शिकार फिसलने लगता है। एक बार जब शिकार एंट लायन की पकड़ में आता है तो वो उसे डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देता है और कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर उसे पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है और फिर लास्ट में उसे पकड़कर इस डेथ ट्रैप के भीतर गायब कर देता है। साइड वाइंडर स्नेक, ये सांप 18 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हैं, मगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते बल्कि एक जगह छुपकर उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले ये अपने शिकार को टारगेट करता है, फिर एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां उसके टारगेट जीव की अच्छी खासी गतिविधि हो और उसके अनुकूल हो। फिर उस जगह अपने बॉडी को टेढ़े मेढ़े ढंग से हिला हिला कर अपने ऊपर रेत डालकर छिपा लेता है और रह जाती हैं तो सिर्फ आंखें। दूसरी तरफ खतरे से अनजान छिपकली अपने भोजन की तलाश में जाने अनजाने मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो जाने अनजाने ऐसे जगह पहुंच जाती है जहां एक खतरनाक शिकारी उसका शिकार करने के लिए घात लगाए इंतजार कर रहा है। शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। गोल्डन मोल, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जीव बेहद ही खास तरह का जीव है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रेगिस्तान में तैर सकता है। जी हाँ, मतलब रेत के भीतर भीतर तैर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मछलियाँ पानी में तैरती हैं। गोल्डन मोल बिल्कुल अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें इसके स्किन और फर से ढके रहते हैं, लेकिन इसके सेंसिटिव कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि रेत पर होने वाली जरा सी भी हलचल को सुन लेते हैं। बिना आंखों के भी ये अपने शिकार को एग्जैक्ट उसी जगह पर दबोच लेते हैं। अब तक इस जीव की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। स्पूर स्पाइडर, ये मकड़ी शिकार पर छुपकर हमला करने से पहले अपने आप को रेत के जाल में छुपा लेती है। छुपने के लिए ये एक ऐसी जगह खोजती है जहाँ चींटियों की आवाजाही लगी रहती है। ये स्पाइडर पहले तो गर्म रेगिस्तान में रेत के कणों के नीचे घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर थोड़ी गहराई तक एक नली बना लेती हैं और बाहर छोड़ देती हैं अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी मकड़ी का जाल, जिससे ये पता चल सके कि कोई जीव उसके जाल को पार करने के दौरान फंस चुका है। फिर मकड़ी रेत के अंदर छुप कर कस कस कर सांस लेके ये दिखाती है जैसे कोई वहां छोटा सा जीव है, जिससे चींटियां अपना भोजन समझ के आकर्षित होती हैं और जैसे ही उस ट्रैप को टच करती हैं स्पाइडर बिजली की तेजी से हमला कर देता है और देखते ही देखते अपने शिकार को रेत में नीचे खींच लेता है। स्पाइडर हंटिंग वास्प, कड़कती धूप और हर पल शिकार के खतरे से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर रेत में बिल खोदकर अपना घर बनाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए मकड़ी अपना घर बनाने के लिए लगभग 50 सेंटीमीटर तक बिल खोदती है ताकि इतनी गहराई में रेत के कण गर्म ना हो। यहाँ रेगिस्तान में अगर इस मकड़ी का कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है स्पाइडर हंटिंग वास्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बड़ी ही भयानक मौत मारती है। रेत के घर में छुपी मकड़ी को ये वास्प खोजती रहती है और जरा सी भी भनक लगने पर ये रेत को बहुत तेजी से खोदने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने बॉडी वेट का 80,000 गुना तक रेत के कणों को इसी स्पीड से पीछे फेंक सकती है।
इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे खतरनाक शिकारी से बचना स्पाइडर के लिए कितना नामुमकिन है। लेकिन गोल्डन व्हील स्पाइडर भी हार नहीं मानती और जान बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाती है। वो अपने शरीर को किसी बॉल के जैसे गोल करके रेत के टीले से नीचे की तरफ रोल करने लगती है। ये मकड़ी कम से कम 44 चक्कर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोल करती हुई नीचे की तरफ भागती है। कभी कभी इस टेक्निक से ये इतनी दूर निकल जाती है कि इसकी जान शिकारियों से बच जाती है, लेकिन हर बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वास्प के खतरनाक डंक से मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और फिर मकड़ी के पेट के अंदर वास्प अपने अंडे इंजेक्ट करके उसे रेत के बिल में ही छुपा देती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और जीवों के बारे में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर करो। अगर पार्ट 2 के लिए 1000 से ज्यादा कमेंट और 10000 लाइक हुए तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द लाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के साथ साथ कम्युनिटी में पोस्ट किए जाने वाले विचित्र फैक्ट्स आप मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।